हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनका प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी से पूछाते हैं। 80 क्वेश्चन हिंदी से, 50 क्वेश्चन जीएस से और 50 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग से आते हैं। टोटल कुल मिला के 180 क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 80 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। चलिए, तो ये हमारा प्रीवियस पेपर है जो 2018 में संपन्न हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का। तो इसे हम हल करेंगे, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे आते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो इसमें बताना है कि अत्यंत क्या है। अभी हम बात करते हैं कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो इसमें अत्यंत क्या है। हमारे पास ऑप्शन है विशेषण, प्रविशेषण, विशेष विशेषण या फिर सविशेषण। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है अत्यंत, ये हमारा क्या है सुंदर। सुंदर क्या होता है, हमारा विशेषण होता है, ये क्या होता है विशेषण। और कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है, विशेष्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका विशेषण है, ये विशेष है अर्चना। तो अब देखो, अब विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अत्यंत क्या है, प्राविशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। बहुत बार बता चुके हैं कि हथियाना और चिकनाना ये कैसी क्रिया है। तो ये होती है हमारी नाम धातु क्रिया। ये किससे मिल, ये नाम धातु से हाथ से हथियाना, चिकना से चिकनाना, लाश से लथियाना, इस तरह से क्रियाएँ बनती हैं। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तो कौन सा आसन्न मतलब होता है रिसेंट, जो तुरंत हुआ हो, जो तुरंत ऐसा लगे कि जो तुरंत किया गया हो काम, वो क्या होता है आसन्न भूत। तो पहला है तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेतु हेतुमद भूत, हेतु हेतुमद भूत हो जाएगा। ठीक, अगला है मोहन आया सीता का, ये तो सिंपल सेंटेंस से क्या हो जाएगा, सामान्य भूत, सामान्य भूत का उदाहरण है। अगला कहते वह आया था, वह आया था मतलब क्या, ये पूरा हो चुका है, तो क्या हो जाएगा पूर्ण भूत। ठीक, अगला देखते हैं मैंने आम खाया है। तो मैंने आम खाया है इसका मतलब क्या, मैंने तुरंत काम किया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये आसन्न भूत का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत शब्द होते हैं तत्सम होते हैं। देखते हैं चतुर, ये चार, इसका मतलब ये संस्कृत का है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये तीनों किसके हैं, हिंदी के शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन पाँच नंबर, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है। तो हमारा इस्तीफा क्या होता है, इंग्लिश होता है, इस्तीफा देना ये इंग्लिश शब्द है, तो ये हमारा फारसी नहीं है। बाकी मलिदा, पैमाना और तनख्वाह, ये हमारे फारसी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर छः नंबर देखते हैं। है पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। जो पंकज जलज ये क्या होते हैं, किस प्रकार के शब्द होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ी। ठीक है, जैसे देखते हैं हम क्या होते हैं योग रूढ़ी, जहाँ पे दो शब्द आपस में मिलकर, दो से अधिक से मिलकर बनते हैं, मगर उनके कोई तीसरा अर्थ निकलता है। अब पंकज, पंक प्लस जा मतलब कीचड़ से उत्पन्न, कौन होगा इसका तीसरा अर्थ क्या निकले, कमल। अगर तीसरा अर्थ निकलेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द। इसी तरह जलज, जल जलज, जल से उत्पन्न का कमल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, योगरूढ़। रूढ़ क्या होता है, जिनको हम तोड़ सकते हैं, जैसे कमल, कलम। यौगिक क्या होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे पंचवर्षीय। अब यहाँ अलग करेंगे इनको तो पंच अलग हो जाएगा, पाँच प्लस वर्षीय मतलब पाँच वर्षों के लिए, तो इस तरह से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवां, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है। तो समास के पदों को कैसे अलग कहता है, विग्रह, तो समास विग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पद विकृत नहीं है। तो विकृत क्या होता है, विकृत क्या होता है, जो अलग सा हो। अब देखते हैं संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय एक अलग चीज़ है, अव्यय क्या है, अलग चीज़ है, और ये क्या है, विकारी शब्द है, ये क्या है, विकारी। और अव्यय के अंतर्गत कितने, चार चार शब्द आते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, है ना।
जिनमें हमें लिंग वचन कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य को छांटना है तो इसमें हमें सही वाक्य कौन सा है, सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, तो यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद है, ये कैसा भेद है, तो ये संबंध संबंध कारक का भेद है। क्यों? क्योंकि माँ का लड़का, ये का काकी के ये आते जो हैं ये क्या होते हैं, संबंध कारक, ठीक है। और वैसे भी माँ का लड़के से संबंध ही बताया जा रहा, माँ बताया रहा मतलब क्या, लड़के की वो माँ लग रही मतलब संबंधित है, संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बपौती, सॉरी बपौती, डी नंबर हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो कितने भागों में विभक्त किया गया है, 14 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नाम बोधक, नाम बोधक एक खुद ही क्रिया का भेद है। चलिए अगला देखते हैं, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, तो ये क्या होता है, दूर के ढोल सुहाने होते, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण करण कारक बहुवचन रूप होगा। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे करण का क्या होता है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, अब हम से वाले ऑप्शंस को देखेंगे, तो से वाला ऑप्शन हमारा केवल और केवल यही है, तो हमारा यही सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला देखते, अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो गुणवाचक, ये किसका भेद है, सबको बता चुके, कई बार बता चुके हैं, ये हमारा किसका है, विशेषण का, गुणवाचक विशेषण होते हैं, तो ये हमारा सर्वनाम का भेद नहीं होता। अगला है, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है, तो क्या नहीं कहा जाता है, पद संगठन। अब पद परिचय क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से बताना, जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो राम क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, पुरुष मतलब जातिवाचक है, या फिर जो भी इसके बारे में, लिंग कैसा है, पुरलिंग है, वचन कैसा है, एक वचन है, सब इसी तरह से पूरा इसका व्याख्या करना, वही क्या होता है, पद परिचय या पदान्वय या पद निर्माण निर्णय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जिससे क्रिया के संबंध का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं करण कारक। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रोपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड, इसका अनुवाद क्या होगा, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रस्तावित सतह एक्स पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल ऑट टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट, इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है, गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, तो अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला ये पैराग्राफ है हमारा, इससे छांट के हमें क्वेश्चन को बताना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं, 22 नंबर, अनुशासन क्यों आवश्यक है, भाई अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति के लिए, जो सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है, अनुशासन किसकी आत्मा है, तो सैनिक जीवन की, जो कि पैराग्राफ से आप लोग छाँट के बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, विश्व में अस्त व्यस्त होने के कारण क्या है, तो अनुशासन का ना होना, जब अनुशासन नहीं होगा तो कुछ भी सही ढंग से नहीं चल पाएगा। अगला है, पास ही पास
पास ही पास शब्द में किस प्रकार का द्विरुक्त होता है? जो पास ही पास शब्द होता है उसमें क्या होता है? विभक्ति युक्त द्विरुक्त। जैसे पास ही पास, तो पास पास ऐसे लिखते हैं, पास पास, तो ये जो द्विरुक्त होता है ये क्या होता है? विभक्ति युक्त। चलिए अगला देखते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो संबोधन में हमेशा प्रिय मित्र लिखेंगे। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य असत्य है, मतलब सही नहीं है, अर्थशास्त्री पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है? अगला है संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है, पहला भी सही है, क्योंकि अर्थशास्त्री जो होते हैं वो मित्रतापूर्ण व्यवहार में लिख दिया जाता है। अगला है संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, ये भी सही है। और इसमें लिखा है उस इसमें भेजने वाले हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है, ये गलत है, पद का उल्लेख नहीं करता है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? जो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाता है वो क्या होता है? परिपत्र हो जाता है। और जो कार्यालय से आदेश दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? कार्यालय आदेश हो जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुस्मारक क्या होता है? किसी चीज़ को याद दिलाने के लिए, जैसे हमने कोई काम पहले कहा था वो कार्य पूरा नहीं, तो उसको याद दिलाने के लिए जो हम दोबारा लेटर लिखेंगे उसे हम अनुस्मारक कहते हैं। अधिसूचना क्या होता है? जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं किसी उच्च अधिकारी द्वारा, तो वो क्या होता है? अधिसूचना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है देखते हैं। कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और जयपुरी। तो इसमें जयपुरी नहीं होगी क्योंकि ये कहाँ की है? राजस्थान की है। जयपुरी कहाँ की है? राजस्थान की भाषा है। चलिए अगला देखते हैं। सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग कौन सा है? तो महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण दो तरह होते, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ए नंबर, खा छा ठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, 31 नंबर। सभी स्पर्श व्यंजन वाले वर्ग कौन से हैं? तो सही काचा, हमारा सही हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, काचा पादा। ये हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन के वर्ग में हैं। चलिए अत्युक्त संधि में, शब्द में संधि कौन सी संधि होगी? अतिधन उक्ति, मतलब यण संधि हो जाएगी। अगला है बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बोलधन उचित होना चाहिए था, ये सही होगा बी, मगर इसमें बोलधन उचित होना चाहिए था तो ये सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या होगा? प्रति हो जाएगा, प्रतिधन आशा प्रत्याशा, तो हमारा प्रति हो जाएगा उपसर्ग, हमारा सी नंबर सही होगा। अगला है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? इक, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 36 नंबर। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम मतलब क्या था? संस्कृत वाला शब्द, तो संस्कृत वाला शब्द कौन सा है? शिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद हैं, तो पशु कौन सा संज्ञा है? तो पशु कौन सा संज्ञा? हमारा जातिवाचक, तो पशु जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशु के अंतर्गत बहुत सारे पशु आ जाएंगे, गाय, भैंस, बकरी, इस तरह से। अगला है यह मकान मेरे भाई का है, तो यहाँ पे क्या क्या है? संकेत किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, संकेत किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगला है हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम मतलब सब लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुरुषवाचक। अगला देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? मतलब सभी को अगर एक ही भेज दिया गया हो तो क्या कहेंगे उसे? परिपत्र, परिपत्र बोलेंगे। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, नियम, आदेश, अधिकार, ये सब के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? उसका विस्तार। अगला देखते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो चीज़ शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक।
चलिए अगला देखते हैं। भाववाच्य छांटिए, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं जाता, नहीं गया। यही हमारा सही ऑप्शन होगा, ये निगेटिव होते हैं हमेशा, तो यही हो जाएगा, तोते से उड़ा नहीं गया। अब बात करते हैं ये, अशोक ने आइसक्रीम खाई, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कृतवाच्य हो जाएगा, ये हमारा कर्मवाच्य, दादाजी वाला कर्मवाच्य हो जाएगा, और ये भाववाच्य क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शंस बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया के किस रूप का वर्णन किया जाता है, जहाँ पे कोई चीज़ का वर्णन किया जाए, मतलब उसको तोला जाए या फिर उसके बारे में बताया जाए, तो क्या होगा, उत्तरावस्था। ठीक, उत्तमावस्था क्या होता है, सबसे प्रभावशाली गुण होता है उत्तमावस्था, जैसे गौ एंड गौन, तो गौन क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था, तो इस तरह से मतलब होते हैं। अगला, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो शब्द का भेद है, तो इसमें और आ गया, मतलब क्या होगा, संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य छांटिए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, तो यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्प, मेंढक, सिंह, वानर, घोड़ा, हाथी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जिसको हम हरी कह दें, तो हरी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इन सबको हम हरी बोल सकते हैं। कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है, तो कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो पंजाबी। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, ये बहुत ही पुरानी भाषाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। अनिश्चय वाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, जो अनिश्चय वाचक है उसका बहुवचन रूप क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अपादान है तो से हो जाएगा, तो से दो हैं, तो किन से, ये एक वचन लग रहा है, तो किन्हीं से क्या हो जाएगा, बहुवचन, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुल्लिंग वाचक कौन सा है, कैमरा, यही हमारा कैमरा होता है, तो यही पुल्लिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा, पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा, आतंगो, पाहुना मतलब क्या होता है, मेहमान, कहे पाहुन, तो वही मेहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो किसमें निर नहीं है, तो हम देखते हैं कि निः शेष में निर नहीं होगा। चलिए अगला, शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध वाक्य छांटना, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। अगला है, यह वो बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, गाय, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो यही सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, 56 नंबर। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्ध में कौन सा उपसर्ग आता है, समीप छोटा, इसके गौड़ में उप आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा उप। चलिए अगला देखते हैं, कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा, तो कुंदन क्या हो जाएगा, हिम, सोना। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉविंग मैन कैच अ स्ट्रॉ, मतलब डूबते को तिनका सहारा, डूबते को तिनका सहारा हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, तो ये करण हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अगला, शुद्ध वाक्य छांटिए, तुम, जैसे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, बेफजूल बात मत करो, तो हमारा यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर। पंजाब में हिंदी का प्रचार कर किसने किया था, तो पंजाब में हिंदी का जो प्रचार प्रसार हुआ किसने किया था, तो श्रद्धा राम फिलौरी ने, फुलौरी ने। सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहा जाता है, जो सफलता न मिले उस पर जब दुखी होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ। अगला है धूसर, धूसर किसका पर्यायवाची है, तो धूसर किसका है, कनक, खनक का, गधे का। अगला, खाने की इच्छा क्या होती, खाने की इच्छा के लिए हम क्या कहते हैं, बुभुक्षा, जो भूख लगती है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो ये सब क्या है, तो खा को हम स्पर्श व्यंजन कंठ और अघोष तथा महाप्राण ध्वनि कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है, दंतोष्ट केवल और केवल वाह है। चलिए अगला देखते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित होता तो उसे क्या कहते हैं,
जब एक ही ध्वनि का दूत होता है उसे क्या कहते हैं हम, युग्मक ध्वनियाँ। चलिए अगला देखते हैं, आ प्लस ई प्लस आ बराबर या, ई प्लस आ बराबर या, तो ये किस संधि का उदाहरण हो जाता है, तो किसका होता है, यण संधि का। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो जयभट्ट के शिलालेख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो जब बद उपसर्ग है